इस वक्त हमारी मौजूदगी छिंदवाड़ा जिले की सौसर विधानसभा में है। कुल छिंदवाड़ा जिले में 7 विधानसभाएं हैं और यहां पर हम सुबह 7 बजे से आपको दिखा रहे हैं कि मतदान जारी है और तस्वीरें उस बूथ क्रमांक 17 की, जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो चालू है। तमाम जो वोटर्स हैं वो अलग अलग ग्रामीण इलाकों से यहां पर पहुंच रहे हैं। युवा मतदाता भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ महिलाएं भी यहां पर सुबह से वोट डाल रही हैं। और अब से कुछ ही देर पहले 7:50 पर यहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी वोट डाला। उनके साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी मौजूद थे, उनकी पुत्र वधु भी यहां पर मौजूद थी। और क्या कुछ इस पोलिंग बूथ पर माहौल है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीसीटीवी की निगरानी में यहां पर जो मतदान है वो करवाया जा रहा है। साथ ही साथ 110 के करीब जो है पूरे छिंदवाड़ा जिले में जो पिंक बूथ हैं वो बनाए गए हैं। इसके अलावा 52 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसमें एक एक युवा मतदान केंद्र भी है और दिव्यांग मतदान केंद्र भी हैं। अगर छिंदवाड़ा जिले की बात की जाए तो 7 विधानसभाएं यहां पर आती थी, लेकिन अब एक नया जिला पांडुना बनने के बाद यहां पर 5 विधानसभाएं आएंगी। हम अंदर आपको तस्वीरें बताएंगे कि आखिर क्या कुछ माहौल है, और सीधा आपको उस पोलिंग बूथ के अंदर लेकर चलते हैं। ये पोलिंग बूथ पूरा जो है सीसीटीवी सर्विलांस के अंडर चल रहा है। यहां पर सबसे पहले वोटर्स के आईडी चेक किए जाते हैं और तमाम जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, खासतौर पर बुजुर्ग मतदाता, अगर उन्हें किसी तरीके से परेशानी आती है वोटिंग डालने में तो उनका आधार कार्ड या वोटर आईडी चेक किया जाता है और यहां पर उन्हें बताया जाता है कि आगे आपको किस तरीके से वोट डालने जाना है। वही पोलिंग बूथ है और उसके अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरा रंगीन बनाया गया है। महिला मतदाता भी पहुंच रहे हैं, युवा मतदाता, क्योंकि कई संख्या जो है लाखों मतदाताओं की जो इस बार 18 साल से ऊपर हो चुके हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर बाहर जाकर, क्योंकि कई लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। आइए, आपका नाम बताइए। चुन्नीलाल माहौरे। चुन्नीलाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? शिकारपुर। शिकारपुर के रहने वाले हैं, सुबह सुबह वोट डालने आए। इस बार कितना उत्साह देखा जा रहा है? बहुत उत्साह है। हाँ। कमलनाथ जी जीतेंगे। अच्छा, पिछली बार की तरह आश्वस्त हैं आप भी? हाँ। अच्छा, मैं तो पक्के में बोल रहा हूँ कमलनाथ जी जीतेंगे। क्या क्या काम करवाया उन्होंने? इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया और करवाएंगे। वो तो समय के पहले उनको गिरा दिए, नहीं तो वो बहुत कुछ करके बताएंगे। अच्छा, जब वो सांसद थे तब भी विकास हुआ था यहाँ? हाँ, हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ। महिला जो वोटर्स हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है यहाँ पर, उनको साधने के लिए तो बीजेपी ने भी कहा है कि हम लाडली बहना का कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, जितनी लेडीज है वो भी सब और देंगे। कुछ और मतदाता हमारे साथ हैं, आपका नाम बताइए। जितेंद्र माहौर। जितेंद्र जी, युवाओं को इस बार जो है खासा नाराजगी का सामना करना पड़ा भाजपा के शासन के कारण। बेरोजगारी की बहुत समस्या है जी, और यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, महंगाई बहुत हो रही है, किसानों को जो प्रॉब्लम हो रही है, खाद नहीं मिल पा रही, सुबह से लाइन लगा रहे हैं। जो बीजेपी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार कर रही है पूरा। अच्छा जी, और इस बार कुछ और भी मतदाता उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम बताइए। आशीष माहौर। आशीष जी कहाँ के रहने वाले? शिकारपुर। शिकारपुर के ही हैं। हाँ। मतदान पहली बार डाल रहे हैं? पहले डाल पहली बार पहली बार डाल रहे हैं। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट? भ्रष्टाचार। अच्छा, किसानों को यूरिया खाद, डैमो में यूरिया नहीं मिल रही किसानों को, और युवाओं को नौकरी वगैरह, नौकरी की तो युवा मतदाता भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, उस तरफ भी चलेंगे और कुछ और मतदाताओं से बातचीत करेंगे। हम उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना विकास यहाँ पे हुआ और लोग किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वोट डालने पहुँच रहे हैं। कुछ महिला मतदाता भी हमारे साथ हैं। माता जी इधर आइए, आपका नाम बताइए। मुद्दा है, कहाँ की रहने वाली हैं? शिकारपुर की हैं। अच्छा, या डालने आए? नहीं, ये डालने आए। डालने आए। इस बार इस सौसर विधानसभा में क्या माहौल दिख रहा है? कुछ और युवा साथी मेरे साथ मौजूद हैं। लाल ये नहीं बताना चाह रही कि किसे वोट देंगे, हम पूछेंगे भी नहीं, लेकिन मेंट के ध्यान में रखनी है। स्कूल का लोग प्रदेश पैसा भाजपा ने आपके खाते में डाला है। हाँ। लाडली बहना का। हाँ। डाला है घोटाला। कमलनाथ भी तो दावा कर रहे हैं कि हम भी पैसा देंगे। हाँ, ठीक है ना। क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली सब सही है? सब सही, सब सही। जो मतदाता है उनका कहना है कि क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ है। महिला मतदाता भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रही है और अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये पूरी कतार यहाँ पर लगी हुई है। एक पोलिंग बूथ हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर कुछ और भी मतदाता है उनसे बात करेंगे। बिल्कुल सही माहौल है। मैं जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे सबसे अपील करूंगा कि आप डर उड़ दें और किसी को पार्टी बनाए जो विकास करता है उसको आप वोट। आपकी तब से जो है छिंदवाड़ा के साथ पूरा सौतेला व्यवहार हुआ है। अच्छा है। अपने आप देखिए, यूनिवर्सिटी एक कमरे में सिमट चुकी है, आउटपुट एग्रीकल्चर कॉलेज एक कमरे में आ गया और हॉर्टिकल्चर को आधार मानकर प्रदेश के मुद्दे हैं, छिंदवाड़ा के मुद्दे हैं, किसको लेकर लोग वोट करने जा रहे हैं या फिर उनको रोक दिया गया है? तो मैं अपने बच्चों की मतलब बेहतर भविष्य के लिए चाहूंगा कि ऐसी सरकार आए जो छिंदवाड़ा का डेवलपमेंट करे। छिंदवाड़ा का डेवलपमेंट करे। तो ये लोग हैं जो वोट डाल रहे हैं।
मेरा नाम राजा माहौरे है। समय वोट डाल चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकल रही हैं, निकल रही है तो एग्जाम हो रही नहीं है, एग्जाम हो रही है तो ध्यान में रखते हुए इस बार रिक्रूटमेंट मध्य प्रदेश में दूसरा नंबर है दुष्कर्म के मामले में। और युवाओं का मुद्दा है यानी कि किसानों का मुद्दा है, यूरिया डीएपी नहीं मिल रही है, दिन दिन भर लाइन में खड़े रहते हैं। क्या हो रहा है, यूरिया का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, सही दाम नहीं मिल पा रहा है, बड़ा चढ़ा कर दे रहे हैं, और ऐसे बहुत से मुद्दे जैसे गिनवा नहीं सकते हम लोग, गिनवा नहीं सकते हैं। तो फिलहाल सभी तरीके के जो वर्ग के मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे युवा मतदाता हों, बुजुर्ग हों, वो लोग विकास के मुद्दे को लेकर ध्यान में रखकर यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं। फिलहाल कमलनाथ एक मंदिर में जो कि नजदीक ही है, यहाँ पर दर्शन करने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने आए। लोग यहाँ पर लगातार वोट डाल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान हो, क्योंकि इस पोलिंग बूथ पर 883 के करीब जो है मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है 446 है और पुरुष मतदाता 437 हैं। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है जितने भी अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो लोग भी मतदान की प्रक्रिया है उसे सुचारू रूप से चलाएं। और अब हम लोग भी आपको लगातार बताएंगे कि आखिर शाम तक इस क्षेत्र से कितना वोट प्रतिशत हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट शीरा सिंह मेहर के साथ वैभव परमार, इंडिया डेली लाइव, सौसर विधानसभा, छिंदवाड़ा।